हाँ जी स्टूडेंट्स, करें स्टार्ट नेक्स्ट परक्विजिट। तो देखिए हमारा जो आज नेक्स्ट परक्विजिट है वो है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार और अदर ऑटोमोटिव व्हीकल। इसमें आपने पहले तो ये चीज याद रखनी है कि ये परक्विजिट मींस वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार वाला सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हैंड में टैक्सेबल होगा, अदर एम्प्लॉइज के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, देखो पहले मैंने इसको एक इजी फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है जहां से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आप पहले इसको दो मिनट लगा के नोट कर लो और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बाद में कि इसको हमने कैसे डील करना है। चलो नोट कर लो पहले। देखिए जो हमारा परक्विजिट अबाउट वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार फ्रॉम द हेड सैलरी है हमारे पास, उसमें मैंने ड्रॉ किया है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या ड्रॉ किया हमने। फर्स्ट पॉइंट कि वेयर द कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर, और दूसरा पॉइंट है वेयर द कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉई। पहले यहां से देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड पे कार जो है वो एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा अपनी कार, मींस कार विल बी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। और इस साइड पर हमने ड्रॉ किया है कि वेयर एम्प्लॉई ओन्स द कार एंड यूजेस दैट कार फॉर हिज ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस। देखिए कार जो है वो दो तरह की कार आ सकती है इसमें, या तो कार की जो क्यूबिक कैपेसिटी है मींस सीसी वो अप टू 1.6 लीटर, इंजन कैपेसिटी कार की अप टू 1.6 लीटर्स है या फिर उससे ज्यादा वाली है, ये दो बाइफर्केशंस होगी कार की कैटेगरी में। अब उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है देखिए। फर्स्ट स्टेप पर अगर कार जो है वो एम्प्लॉयर की है, फर्स्ट स्टेप पर देखिए कार एम्प्लॉयर अपनी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉई को और कार का सारा खर्चा एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है। दोबारा देखिए कार एम्प्लॉयर अपनी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉई को और कार का सारा खर्चा एम्प्लॉयर खुद कर रहा है। अब हम डिसाइड करते हैं कि कार यूज कौन करेगा, किस पर्पज के लिए होगी। अगर तो कार सारी की सारी ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हो रही है तो उसमें तो फिर परक्विजिट का कोई वे ही नहीं बन रहा। इसका मतलब कि अगर कार एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर खुद कर रहा है, यूज भी ऑफिस के लिए होगी, तो फिर तो कोई परक्विजिट आ ही नहीं सकता यहां पे। इसका मतलब इस केस में कार की कैपेसिटी चाहे 1.6 लीटर तक है या उससे ज्यादा है तो परक्विजिट की वैल्यू फिर निल होगी। अब आइए नेक्स्ट स्टेप पर। कार तो देखिए एम्प्लॉयर की है, नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, एक्सपेंसेस उसके एम्प्लॉयर पे कर रहा है और यूजेज जो है कार की वो फुली पर्सनल है। क्या क्या देखिए हो सकता है इसमें, कार एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, लेकिन यूज कौन कर रहा है कार को, एम्प्लॉई अपने पर्सनल यूज के लिए। इसमें देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरी चीज कोई यूज करेगा तो उस चीज के लिए जितना खर्चा हो रहा है मुझे चाहिए कि मैं उसे चार्ज करूं। अगर मैं कोई नई खर्चा चार्ज कर रहा उससे, इसका मतलब हो क्या होगा, उसके लिए बेनिफिट हो गया। अगर ये बेनिफिट हो गया, देखिए मैंने नोट किया है कि एम्प्लॉयर नोट कर लेगा कि मैंने कार की रनिंग मेंटेनेंस, उसको चलाने के लिए या उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए क्या क्या खर्चा किया, लेकिन यह खर्चा हुआ किसके लिए, एम्प्लॉय के पर्सनल यूज के लिए। दूसरे नंबर पर अगर उसको ड्राइवर भी साथ में प्रोवाइड किया गया तो ड्राइवर की सैलरी भी एम्प्लॉयर पे करेगा। थर्ड स्टेप पे मेरी कार यूज हो रही है तो वो कार की जो डेप्रिसिएशन मान ले हम, जब कार की यूजेज हो रही है उसके हिसाब से एक रेट फिक्स कर दिया गया है कि 10% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब कि तीन खर्चे एम्प्लॉयर करेगा, रनिंग मेंटेनेंस का, ड्राइवर की सैलरी अगर है, साथ में 10% ऑफ कॉस्ट। इन तीनों को ऐड करके हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा परक्विजिट बन गया जो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा फॉर टैक्सेबल पर्पस। अब यही अगर कार की कैपेसिटी 1.6 लीटर से अबव होगी
तो देखिए उसमें कोई नई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कार बड़ी कार है तो रनिंग मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पता ही है कि ये एक्चुअल खर्चे आ रहे हैं। इस कार का रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा एक्चुअली ज्यादा होगा। देखिए ड्राइवर सैलरी ज्यादा लेगा या कम लेगा ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि कार तो अल्टीमेटली कार ही चलानी है, ड्राइवर तो वही होगा, इसलिए ड्राइवर में फर्क होगा नहीं होगा या 10% ऑफ कॉस्ट, इधर कॉस्ट ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली 10% ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब ये खर्चा और ये खर्चा हमने लेना है एक्चुअल खर्चा, जो एक्चुअल खर्चा आया वो मैं एम्प्लॉय की सैलरी में एज ए परक्विजिट ऐड कर देंगे। अब आए हम थर्ड स्टेप पे। देखिए पहले जो दोनों स्टेप थे उसमें एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ही कर रहा था, फर्स्ट में कार यूज हो रही थी फॉर ऑफिस वो एग्जेम्प्ट हो गया, दूसरे में फुली पर्सनल थी हमने सारा खर्चा उसके अकाउंट में डाल दिया। थर्ड केस में क्या आ गया है कि खर्चा तो ए पार्ट में एम्प्लॉयर कर रहा है लेकिन कार जो है वो कुछ कार यूज हो रही है उसके पर्सनल पर्पस के लिए और कुछ यूज हो रही है ऑफिस पर्पस के लिए। इसमें फिर क्या रूल है इनकम टैक्स का, वो कहते हैं कि चाहे हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लें कि 30% 40% या 50% जो भी है पर्सनल की है या ऑफिशियल की है उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, हमने सिर्फ एक सिंपल रूल लगा देना है। अगर खर्चा कार का सारा फुल खर्चा, क्योंकि देखिए इसमें मैंने लिखा है कि थर्ड का एक ए केस है और एक बी केस है, ए में सारा खर्चा कार का एम्प्लॉयर करेगा लेकिन कार यूज होगी पार्टली फॉर ऑफिस और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। अगर ये सिचुएशन आ रही है तो एक फिक्स्ड रूल है कि हम बिलो 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी वाली कार के लिए 1800 पर मंथ उसकी सैलरी में एज ए परक्विजिट चार्ज करेंगे, और अगर साथ में ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो 900 पर मंथ सेपरेटली फॉर ड्राइवर भी ऐड कर दिया जाएगा। और अगर यही पोजीशन अबव 1.6 लीटर में आ जाए तो मंथली 2400 रुपीज उसकी सैलरी में एज ए परक्विजिट ऐड किया जाएगा लेकिन ड्राइवर का रेट सेम रहेगा 900 रुपीज पर मंथ। अब आइए नेक्स्ट केस पे, जो थर्ड का नेक्स्ट केस है पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिस यूज के लिए। इसमें देखिए जो एक्सपेंसेस हैं उसके भी दो पार्ट होंगे। ऊपर वाले केस में यूजेज तो पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल ही आ रही थी, इसमें भी यूजेज जो है पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल आ रही है लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं उसमें सारे एम्प्लॉयर बेयर कर रहा था। इसमें जो एक्सपेंसेस हैं उसमें क्या देखो आ गया है, एम्प्लॉयर कह रहा है कि ऑफिस के एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा और एम्प्लॉय कह रहा है पर्सनल मैं बेयर करूंगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, चाहे एम्प्लॉई अपने एक्सपेंसेस खुद बियर कर रहा है यहाँ पे तो उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कार को चलाने के एक्सपेंसेस आ गए लेकिन कार किसकी यूज हो रही है, एम्प्लॉयर की। अगर एम्प्लॉई कह रहा है कि एक्सपेंसेस मैं खुद कर लूंगा लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर को कुछ ना कुछ तो नुकसान उठाना पड़ रहा है ना, क्योंकि कार एम्प्लॉयर की उसके पर्सनल यूज के लिए आ रही है, वही क्या सिस्टम आ गया। फिर यहां पे हम 1800 पर मंथ चार्ज कर रहे थे, यहां पे हमने क्या कर दिया कि उसको 600 कर दिया, मतलब इसमें से हमारे 1200 रुपीस वो हमने ये ज़ूम कर लेते यहां पे जो 1200 रुपीस थे वो उसने खुद अपने पे करने शुरू कर लिए और हमने सिर्फ 600 पर मंथ रहने दिया उसके अकाउंट में कि अब आपका परक्विजिट सिर्फ 600 रहेगा। लेकिन अगर ड्राइवर प्रोवाइड हुआ है तो उसका 900 सेम रहेगा। और यही अगर हम 1.6 लीटर से अबव कैपेसिटी वाली कार में देखें तो यहां पे 600 की जाए 900 वैल्यू है और जो ड्राइवर है उसकी वैल्यू भी 900 ही रहेगी। दोबारा देखिए थर्ड के ए और बी केसेस के, ए केस में एक्सपेंसेस कार के एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं और यूजेज दोनों तरफ है पार्टली वाला, सिंपल रूल है 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ अगर ड्राइवर है, इस केस में 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ अगर ड्राइवर साथ में है। बी केस आ गया यूजेज कार की पार्टली है लेकिन खर्चे दोनों ने आपस में डिवाइड कर लिए, एम्प्लॉयर कह रहा है कि ऑफिस वाला खर्चा मैं करूंगा, एम्प्लॉय कह रहा है पर्सनल मैं खुद करूंगा, फिर भी हमने एम्प्लॉय की सैलरी में 600 पर मंथ प्लस 900 अगर ड्राइवर है तो वो परपोज ऐड करना है और यहां पे 900 पर मंथ प्लस ड्राइवर का तो 900 ही है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अब हम नेक्स्ट
स्टेज पे आए कि अगर कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉय वाला केस आ जाए, देखिए अगर कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉय वाला केस आ गया तो पहले तो देखिए अगर मैं एम्प्लॉय हूं और मैं अपनी कार अपने ऑफिस के पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास वही आ रहा है कि कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉय यूज्ड फॉर फुली ऑफिस पर्पस। अगर मेरी कार ऑफिस के पर्पस के लिए यूज हो रही है और उसके एक्सपेंसेस मुझे एम्प्लॉयर दे रहा है तो अगर कार यूज ही ऑफिस के पर्पस के लिए हो रही है तो वो हमारा फिर क्या रहेगा, नो वैल्यू परक्विजिट में, मींस यहां पे हमारा कोई भी परक्विजिट नहीं बन रहा। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप पे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और यूजेज हो रही है फुली पर्सनल। अच्छा यहां पे आप देखिए कार मेरी है, मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, इसका मतलब अगर कार मेरी है तो अगर डेप्रिसिएशन लग रही है वो मेरी कार पे लग रही है, एम्प्लॉयर की कार नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉयर सिर्फ खर्चा पे कर रहा है कार का, अगर सिर्फ वो मुझे खर्चा दे रहा है कार मेरे पर्सनल यूज के चलाने के लिए तो वो सिर्फ क्या करेगा कि जो उसने एक्चुअल रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा किया और प्लस अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया उसका एक्चुअल एक्सपेंस मेरी सैलरी में ऐसे परक्विजिट ऐड कर दिया जाएगा। यहां पे कार की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी क्योंकि कार तो मेरी है, यहां पे कार एम्प्लॉयर की है ही नहीं। सेम यही केस रहेगा अगर क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 से अबव। अब आइए लास्ट थर्ड केस में, पहले थर्ड में ए केस में एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और यूजेज है पार्टली, जैसे यहां पे केस था कि एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के और यूजेज पार्टली फॉर ऑफिस और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। इसमें देखिए थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, इसमें कैसे एम्प्लॉयर जो है आपकी सैलरी में परक्विजिट चार्ज करेगा, वो कहेगा कि जो मैंने एक्चुअल एक्सपेंस किया है फॉर कार उसमें से मैं ये मान लूंगा कि 1800 पर मंथ और प्लस 900 पर मंथ अगर ड्राइवर भी साथ था तो यहां पे ये माना जाएगा कि इतना एक्सपेंस ऑफिस पर्पस के लिए किया गया। जैसे हमने यहां पर 1800 पर मंथ और 900 पर मंथ हमारे पर्सनल यूज के लिए माना था तो अगर हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि सेम एक्सपेंस ऑफिस यूज के लिए अमाउंट में सेम रहेगा। यहां पर एम्प्लॉयर जो एक्चुअल एक्सपेंस कर रहा है उसने ये मान लिया यहां पर कि ये जो 1800 प्लस 900 ये ऑफिस का खर्चा माना जाएगा, एक्चुअल में से ऑफिस वाला निकाल दो, बाकी जो बच जाएगा हमारे पास वो क्या रहेगा फिर एम्प्लॉय का पर्सनल। इसका मतलब एम्प्लॉयर ने जो टोटल एक्सपेंस किया था सिर्फ इतना ऑफिशियल था वो हमने बाहर निकाल दिया, जो बच गया वो एम्प्लॉय का पर्सनल है वो उसकी सैलरी में चार्ज कर देंगे हम एज ए परक्विजिट। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉय ये प्रूव कर सकता है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके कि जो 1800 प्लस 900 उसने ऑफिस पर्पस के लिए एक्सपेंस यहां पे ट्रीट किया है एक्चुअली एम्प्लॉय ने उसे ज्यादा किया है, अगर वो ये प्रूव कर दे कि मैंने ज्यादा ऑफिस के लिए किया था तो यहां पे हम वो ज्यादा वाला खर्चा फिर एक्चुअल में से लेस करेंगे और हमारा जो पर्सनल है वो कम हो जाएगा, इस मतलब हमारी परक्विजिट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। सेम ट्रीटमेंट अबाउट 1.6 लीटर की कार में आएगी, बस इतना फर्क है यहां पे 1800 और 900 की जगह पे 2400 और 900 आ जाएगा, बाकी सारा रूल आप ऐसे लगा लो कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस दिस अमाउंट और एक्चुअल एक्सपेंस इफ इट इज मोर और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो हमारा आ जाएगा बैलेंस टैक्सेबल एज पर्सनल। अब हम ओवरऑल इसको एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर और कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, फर्स्ट स्टेप एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के हैं, यूजेज फुली ऑफिस हो रही है, कोई परक्विजिट नहीं आएगा। अगर ऐसे हम इधर भी देख लें कार एम्प्लॉय की है एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर लेकिन यूज फुली ऑफिस, नो परक्विजिट। नेक्स्ट स्टेप कार एम्प्लॉयर की है एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर और यूजेज फुली पर्सनल, लेकिन देखिए इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कार फुली पर्सनल है, यहां पे कार किसकी थी एम्प्लॉयर की, इसका मतलब एक्सपेंसेस के अलावा वो 10% ऑफ कॉस्ट भी साथ में लगा रहा था। यहां पर कार किसकी आ गई एम्प्लॉय की, एक्सपेंसेस तो डालने लेकिन 10%
10% ऑफ कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि कार ऑलरेडी एम्प्लॉय की। अब थर्ड केस में आ जाए कि अगर पार्टली वाला केस आ गया, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर और यूजेज पार्टली 1800 और 900 और यहां पे रेट हो जाता था 2400 और 900, लेकिन दूसरी साइड पे रूल है कि जो एक्चुअल एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने किया है उसमें से इतना अमाउंट जो इधर एम्प्लॉय का था वो हमने मान लिया इधर एम्प्लॉयर का हो गया, वो ऑफिशियल मान के हमने लेस कर दिया, बाकी जो बच गया वो एम्प्लॉय के हैंड में एज परक्विजिट टैक्सेबल ऐड कर दिया जाएगा। और जो लास्ट वाला केस है बी के एम्प्लॉय कुछ कार का पर्सनल खर्चा खुद बियर कर रहा था, यहां पर वो केस अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहां पर वो केस की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती वो भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कार एम्प्लॉय की है, अगर एम्प्लॉय अपनी कार को अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है और उसका खर्चा भी खुद ही बियर कर रहा है तो उसका फिर एम्प्लॉय के साथ तो लिंक हुआ ही नहीं, इसका मतलब यहां पे वो केस पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसलिए इस साइड पे फिर कार बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, थर्ड का सिर्फ ए केस आएगा, बी केस पॉसिबल नहीं हो सकता। ये था हमारा पूरा डिटेल में कि कार का परक्विजिट हमने कैसे डील करना है। लेकिन एक बात याद रखना कि कार वाला परक्विजिट है वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हैंड में टैक्सेबल होगा। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि कार का परक्विजिट सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हैंड में ऐड होगा, इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो परक्विजिट आ जाएगा इसके साथ ही अदर ऑटोमोटिव व्हीकल, कार के साथ ही आ जाता है अदर ऑटोमोटिव व्हीकल। अब मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके वो एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन वो बहुत ईजी है। चलो आइए हम अब वो वाला स्टार्ट करते हैं कि अदर ऑटोमोटिव व्हीकल को कैसे ट्रीट करते हैं।